हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो मैं आया हूँ एक और बाबड़ी देखने के लिए। बहुत ही पुरानी बाबड़ी है ये, मतलब कि ऐतिहासिक बाबड़ी है और बहुत ज़्यादा जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके जमाने की बाबड़ी है और जिंदों की बाबड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। अंदर से बहुत ही बेहतरीन कारीगरी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही बेहतरीन है। मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, अंदर चल के सारी चीज़ें दिखाऊंगा मेरे साथ, और मेरे साथ ये अंकल जी जुड़े हुए हैं लोकल, अभी अंदर जाके हम पूरी देखेंगे। चलिए चलते हैं, पूरी दिखाता हूँ मैं आप। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं सारी चीज़ें पूरी दिखाऊंगा आपको बाबड़ी के बारे में, और बहुत ही बेहतरीन बाबड़ी है। आइए मेरे साथ, और एक एक चीज़ दिखाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर है इसका, ऐसा आर्किटेक्चर आपको देखने को नहीं मिलता कहीं पर भी। और ऐसी खास चीज़ें राजस्थानी रखता है मैक्सिमम देखा जाए तो। आप हर जिला राजस्थान का कुछ ना कुछ विशेष खास चीज़ रखता है अपने आप में। और मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं सारी जितने भी चीज़ें हैं राजस्थान में वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। आइए मेरे साथ, सारी चीज़ दिखाते हैं आपको। इधर से साइड से चलते हैं या फिर नीचे से चले? हाँ नीचे से ले लो, पहले ऊपर से ले लेते हैं फिर हम लोग नीचे चलेंगे। साइड से आते हैं आराम से। ये और ये दिखाता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें, यहाँ से देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन चीजें। देख के भाई पतला है। अच्छा, कुछ ये भी, ये कुछ खाने से बनाए गए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। चलिए इधर चलते हैं, आप यहीं से देख लीजिए क्योंकि इधर जाना मुश्किल हो सकता है, टूट फूट भी सकती है। देखिए सारी चीजें आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कारीगरी है। ये देखिए, इसमें एक मस्जिद सी बनी हुई है। I got nightmares in my head, I fear. ये जाने का जीना है। अच्छा चलिए ऊपर चल के देखते हैं हम लोग अब यहाँ जीने से। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी है, यहाँ से चलते हैं ऊपर। ये देखिए हम आ गए हैं, ये बाबड़ी देख सकते हैं आप पूरी, और यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से अंदर से उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सारी तोड़ फोड़ हो गई है, कोई ध्यान नहीं देता ऐसी चीज़ों के लिए। अगर ध्यान दिया जाए तो ये अभी तक बची रहे और यहाँ पर लोग आए घूमने के लिए। उधर देखिए सारी चीज़ें, और ये अंदर पानी भरा हुआ इसके। ये छोटी बाबड़ी है पहली वाली बाबड़ी से, जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई उसको, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो बाबड़ी वाली को। वो बड़ी वाली बाबड़ी है, ये बहुत छोटी बाबड़ी है उससे। देखिए क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, क्या आर्किटेक्चर है, क्या बेहतरीन आर्किटेक्चर है। अब ऐसे आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलते हैं आप लोगों को। और ये बाबड़ी बहुत दूर है, यहाँ तक अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं पहुँचा है, यहाँ तक कोई नहीं आया, जैसे मुझे लोकल लोगों के द्वारा पता लगा है यहाँ पर कोई नहीं आता है। बहुत कम लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है, कुछ आसपास के जो लोग हैं मुझे उनके द्वारा पता लगा, जो लोकल लोग हैं, जो बूढ़े बड़े लोग हैं उनके द्वारा मुझे इसके पता लगा, और फिर मैं यहाँ पर आया। मैंने सोचा इस इतनी बेहतरीन चीज़ को कैसे छोड़ दें बिना कवर किए। देखिए आप देख सकते हो सारी चीज़ें। चलिए चलते नीचे, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हो जाएगा। ये देखिए पूरी की पूरी बाबड़ी देख सकते हो आप, अब तो घास फूस उग गई है इसमें, बेहतरीन चीज़ें हैं। ये देखिए बहुत ही गहरी बाबड़ी है, ये पानी भरा हुआ नीचे देख सकते हो आप। तीन चार पाँच, पाँच मंजिला है, और इसके नीचे भी हो सकता है वो हमें पता नहीं। ऊपर से अगर आप गिनती करो, एक दो तीन और एक चार और एक पांच, पांच मंजिला हो। जिंदों की बाबड़ी से मशहूर है, काफी डरावनी सी बाबड़ी है। चलिए चलते हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं यहाँ से, काफी ऊपर खाबड़ सा रास्ता सीढ़ियों से, बहुत छोटा जीना, छोटा जीना राजा महाराजाओं द्वारा बनाया जाता था। ये बादशाह, जो बादशाह हुआ करते थे उनके द्वारा स्थानीय लोगों के लिए जल की समस्या ना हो
राजा महाराजा बादशाहों के टाइम की, इसीलिए बनाई जाती थी ये सारी चीजें। चलिए चलते हैं नीचे। नीचे जा रहे हैं हम लोग। अब आप देख सकते हो यहाँ से पूरा नीचे का रास्ता, यहाँ से चल के जाएंगे हम लोग। पूरी चीज़ें दिखा दी मैंने, ऊपर का आपको सारा दिखा दिया, नीचे का रहेगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं मेरे साथ। दूसरी मंजिल पे हम बने के लिए चलते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें मेरे पीछे, बस अब यहीं तक हैं हम लोग। यहाँ से ताला लगा हुआ है, ताले को मैं खोल। जीना देखिए, तो छोटा जीना। अच्छा ये जीना है, देखिए इससे तो हम शायद ऊपर पहुँच जाएंगे, है ना। ये देखिए इससे रास्ता देख सकते हो, ये रास्ता है ऊपर जाने, ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। काफी छोटा रास्ता है देख सकते हो, थोड़ी छोटी पौड़ियां, यहाँ से ऊपर जा सकते हो आप और सारी चीजें देख सकते हो। पर और ये रास्ता है, मैं इसके ऊपर जाके दिखा रहा हूँ अंकल जी के साथ। आइए अंकल जी। यहाँ पर निकल जाते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहाँ से सारी चीजें आप देख सकते हो, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। चलिए ये देख सकते हो गुम्बद से बने हुए, यहाँ पे ये ताले लगे हुए हैं, सरकार ने कुछ या स्थानीय लोगों ने इसमें लगा दिए ताले। चलिए घर चलते हैं हम लोग, काफी सारी चीजें हमने देख ली है और बहुत ही बेहतरीन लगे हमें। ये ऊपर का रास्ता है, ऊपर जाते हैं यहाँ से, और ये यहाँ से साइड से निकल के हम लोग जा सकते हैं। ये देख सकते हो गुंबद से बनाए हुए हैं रहने के लिए, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। आप पीछे देख सकते हो मेरे, ऊपर चलते हैं और हम अब घर जा रहे हैं वापस। सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, काफ़ी कपड़े भी गंदे हो गए क्योंकि झाड़ियाँ वाड़ियाँ और जालियाँ लगी हुई थी उसमें, उससे देख सकते हो। बाहर आ गया हूँ मैं।